बढ़ती उम्र में झुर्रियाँ पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, एक माता का सेल्स पिता का सेल्स मिलके हमारा एक सेल बनता है, उस तरह से ऑर्गन बनते हैं, लीवर बनता है, किडनी बनता है, इस तरह से हमारे शरीर की पूरी संरचना होती है। तो झुर्रियाँ जो हो रही हैं या सब दाग धब्बे बन रहे हैं, तो उसी के लिए दवाई बताने के लिए प्रस्तुत रहूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन सी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथी पद्धति से समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तुत रहूँ। आज का टॉपिक लेके आए वो चेहरे में दाग धब्बे और झुर्रियाँ। सबसे पहले झुर्रियाँ जो होती हैं, तो उसका होने का एक कॉज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एज के बाद में 50 साल के बाद में धीरे धीरे स्किन में डेड होने लगती है, स्किन की पावर कमजोर होने लगती है, हमारे जो सेल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, सेल बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लगातार उस एरिया तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, और साथ में कच्ची चीज़ों का जो मनुष्य को हमको बनाया हुआ है, जब मनुष्य की संरचना हुई, जब मनुष्य पृथ्वी में आया, तो उस समय सबसे पहले उसने कच्ची चीज़ें खाना शुरू करी उसने। कच्ची चीज़ें मतलब फल हो गया, सब्जियां हो गया, जो जो कच्ची चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे फल में सारे फल खाए जाते हैं, सब्जियों में जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, जो जो कच्ची चीज़ें खाई जाती हैं, कच्ची चीज़ का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे तो उतना शरीर के अंदर एल्कलाइन वाटर बढ़ेगा। जितना एल्कलाइन वाटर बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो उसमें शरीर में झुर्रियाँ पड़ने की संभावना उतनी कम होगी। ये तो पानी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाइए, और साथ में फल और सब्जियों की मात्रा खाने बढ़ाइए। अगर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, उनका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। पहली मेडिसिन है, आदमी दुबला पतला है या लेडी दुबली पतली है और चेहरे में झुर्रियाँ पड़ रही हैं और साथ में हल्के हल्के से जिसे बोलते हैं दाग बोलते हैं, काले काले दाग बोलते हैं या तिल बोलते हैं, वो हो रहे हैं, तो ऐसे में सीपीए का प्रयोग करेंगे। सुबह दोपहर शाम 5 से 7 दिन तक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह से अगली चीज़ है, धूप में जाने में या शरीर में नमक की कमी से चेहरे में दाग हो रहे हैं या सिर दर्द हो रहा है या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में नेटर मूड का प्रयोग करेंगे, 2-2 बूंदें 3 बार 5 से 7 दिन तक इसके बाद नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत बीमारी में या बीमारी बहुत हो रही है, तो ऐसे में से उठते हैं या बीमारी में उठने के बाद अगर दाग धब्बे हो रहे हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में एसिड स्काइबोबिनम, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, ये भी आप लेंगे तो शरीर में जो विटामिन सी कमी होती है, सी की कमी होती है, वो पर्याप्त मात्रा में पूरी हो जाएगी, तो उसके वजह से भी आपको चेहरे में जो दाग धब्बे हैं और या झुर्रियाँ हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। साथ में बर्बरिस एक्वाफोलियम को लगातार लेते रहिए, 10 से 15 बूंदें सवेरे दिन में शाम को आधे कप पानी में लगातार लेते रहने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बताई हुई दवाई का इस्तेमाल 5 से 7 दिन नहीं करेंगे जो डाइजेशन है, परंतु बर्बरिस एक्वाफोलियम जो 15 दिन से है, इसको आप लगातार ले सकते हैं। नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।